नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनेत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। 15 अगस्त को बीजेपी दफ्तर में हुआ ध्वजारोहण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया ध्वजारोहण, सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। वीडी शर्मा का संबोधन। वीडी शर्मा ने 78वां स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को हम सब लेकर चल रहे हैं। जितने क्रांतिकारी जो पर्दे के पीछे हैं, उनके कारण हम 15 अगस्त मना रहे हैं। बीजेपी सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। एमपी में मोहन यादव के नेतृत्व में स्वर्णिम प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव का संबोधन हमारे सारे पर्व के ऊपर है। राष्ट्रीय पर्व आजादी के लिए संघर्ष करते करते कई पीढ़ी निकल गई। विकसित देश और प्रदेश हम सब का संकल्प है। काश विभाजन की विभीषिका नहीं होती तो देश आज कहां होता। सीएम आजादी के इस 78वें पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए उत्साह और उमंग का पर्व तो है ही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प है, वहीं मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वर्णिम मध्य प्रदेश के संकल्प को आज हम दृढ़ता के साथ लेकर संकल्प को पूरा करें। हम सब मिलकर के अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर के काम करने के संकल्प के साथ पुनः एक बार मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज भाजपा कार्यालय में यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ में हमने झंडा वंदन किया है। आजादी का ये पर्व उत्साह, उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। हम सब अपने अपनी पूरी क्षमता योग्यता से विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, शहीदों, तमाम लोगों के बलिदान के बाद यह अद्वितीय क्षण आया है। हम उनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः बधाई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।